बिहार के मुजफ्फरपुर से एक शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर कुछ मनचलों ने घर में घुसकर एक विवाहिता महिला के 6 महीने के बेटे के सिर पर पिस्तौल रखकर गैंगरेप किया और फिर रेप का वीडियो बनाकर उसे वायरल कर दिया। आरोपी महिला और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। इस मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज कर ली है। खबरों के मुताबिक महिला से बलात्कार करने वाले सभी आरोपी 19 से 21 साल की उम्र के हैं। पुलिस का कहना है कि करजा थाना इलाके के एक गांव की महिला अपने घर में अकेली रहती है। उसका पति मजदूरी के लिए बाहर रहता था। 12 अगस्त को गांव के 5 युवक देर रात घर में घुस आए, जिसके बाद महिला के छोटे बच्चे को पिस्टल की नोक पर अपने कब्जे में ले लिया और बारी बारी से सभी ने महिला के साथ रेप किया। वहीं पुलिस ने पीड़िता के बयान पर शिकायत दर्ज कर ली है। SDPO राजेश शर्मा ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और करजा थाना अध्यक्ष को इस मामले में कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया गया है। आपको बात दें कि इस घटना ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। लोग जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। न्यूज़ डेस्क।